हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक होंडा CBR 250 RR के ऊपर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब तक आपको इंडिया में इस बाइक का लॉन्च डेट देखने को मिल सकता है, फिर क्या क्या चेंजेस इस बाइक में आएंगे इन कम्पेयर टू जो इसका इंटरनेशनल वर्जन है। तो आप वीडियो पूरी देख लेना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दूंगा कि कब तक आपको इंडिया में इस बाइक का लॉन्च डेट देखने को मिल सकता है या फिर कितना प्राइसिंग इसकी इंडिया में होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो वन ऑफ़ द बेस्ट लुकिंग स्पोर्ट्स बाइक है, और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इस बाइक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आपको जो होंडा की फायर प्लेट आती है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन इस बाइक की ली गई है, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस बाइक को बनाया गया है। सो डिज़ाइन तो इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा मीन और अग्रेसिव है। और सो फाइनली, अगर मैं इंजन की बात करूँ तो पावरिंग द होंडा CBR 250 RR इज द ऑल न्यू 250cc पैरेलल ट्विन इंजन लिक्विड कोल फ्यूल इंजेक्टेड मोटर विच प्रोड्यूसेस अराउंड 41 bhp ऑफ पावर एंड 23.5 Nm ऑफ टॉर्क एंड दिस कस्मेटेड टू अ 6-speed गेयर बॉक्स। सो फाइनली, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लास लीडिंग फीचर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शनल क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेगा जिससे कि आप क्लचलेस अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। इस बाइक में आपको एक स्लिपर क्लच भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, नेम एज कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। सो काफ़ी ज़्यादा बेल्स एंड विसल्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे इस बाइक का प्राइस होने वाला है जब ये इंडिया में लॉन्च होगी। सो फाइनली, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें आपको शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट बाइक में ही आपको देखने को मिलते हैं, और फ्रंट एंड फील आपको इस बाइक का काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और रियर में इसमें आपको एक गैस चार्ज मोनोशॉक देखने को मिलेगा। सो इस बाइक में आपको थ्रोटल बाय वायर भी देखने को मिलेगा जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा थ्रोटल रिस्पॉन्स इस बाइक से आपको देखने को मिलेगा। सो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारी रेलिवेंट इन्फो देखने को मिल जाएगी। सो फाइनली, अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो मैं आपको ऐसे 3 रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों होंडा इस बाइक को इंडिया में ज़रूर लेके आएगी। सो फर्स्ट, होंडा ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इंडियन मार्केट में एक 250 से 300cc के सेगमेंट में एक बाइक लॉन्च करेगी जो कि डेफिनेटली होंडा CBR 250 RR भी हो सकती है। सो सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली होंडा का एक बिग विंग शोरूम खुला है जो कि गुड़गांव में एक प्रीमियम बाइक्स का शोरूम है होंडा की तरफ से। तो मैं आपको सिर्फ जो होंडा की प्रीमियम बाइक्स है वही देखने को मिलेंगी। सो डेफिनेटली आपको उसमें होंडा की CBR 250 RR भी देखने को मिल सकती है। सो अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ तो ये इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक होने वाली है। सो जैसे कि आपने देखा होगा 2019 में होंडा ने CBR 650 R को इंडिया में लॉन्च करा है जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस इंडिया में मिला है और काफ़ी अच्छी सेल्स रिपोर्ट उस बाइक की रहती है। सो इस वजह से होंडा अब CBR 250 RR को इंडिया में लॉन्च डेफिनेटली करेगा। कौन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कि उसकी बाइक काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल हो, इस वजह से ये थर्ड रीज़न है कि होंडा इस बाइक को इंडिया में ज़रूर लॉन्च करेगा। सो फाइनली, अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो मिड ऑफ 2020 में आपको इंडियन मार्केट में ये बाइक देखने को मिल सकती है, और इस बाइक का जो हाइप है वो बहुत सालों से बना हुआ है, इस वजह से ये इंडियन मार्केट में आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स में ये बाइक से डेफिनेटली सेल होगी। सो फाइनली, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस बाइक का प्राइस ऑन द एक्सपेंसिव साइड पे होने वाला है। तो इस बाइक का प्राइस अराउंड 380,000 रुपीज़ एक्स शोरूम आपको देखने को मिल सकता है। सो बस ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, लव हार्ड, लव फ्री। बाय।